सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 23 नवंबर के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है कि किस रेल कोच फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री ने, यानी कि रायबरेली में जो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है उसमें की बात हो रही है। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब क्या हो गया, वो रोबोट ह्यूमन की तरह, उसके दो हाथ होंगे, उसकी तरह दिखता होगा ह्यूमन की तरह। तो मानव जैसा स्पाइन टेक्नोलॉजी वाले दुनिया के पहले रोबोट का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा, और इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, सोना 1.5। क्या है, सोना 1.5। और इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भारत और इंग्लैंड ने मिलकर हाथ धोने के लिए एक रोबोट भी बनाया, और उसका नाम है पेपे। क्या नाम है, पेपे। और रशिया ने एक रोबोट को तो अंतरिक्ष में भी भेजा है, उस रोबोट का क्या नाम है, फेडोर। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में शीर्ष पे कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। तो अभी फॉर्च्यून एक बिजनेस मैगजीन है अमेरिका की, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो अभी फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की लिस्ट जारी की है, उसमें टॉप पे है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, और इसमें 8th नंबर पे है मास्टर कार्ड के अजय बंगा, और अरिस्ता के प्रमुख जयश्री उल्लाल 18वें स्थान पर हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ समय पहले हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने बेस्ट सीईओ की जब रैंकिंग जारी की थी, याद आया आपको, उसमें टॉप पे कौन थे, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, और 6th नंबर पे थे एडोब के शांतनु नारायण, 7th नंबर पे थे मास्टर कार्ड के अजय बंगा, और 9th पोजीशन पे थे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। तो उसमें तो सत्या नडेला 9th पोजीशन पे थे, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में जिसमें हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की, उसमें 1st नंबर पे हैं सत्या नडेला। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी नवंबर 2019 में ही पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि सफल परीक्षण कहां से किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बालासोर से। तो अभी उड़ीसा के बालासोर में सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का रात्रि सफल परीक्षण किया गया है। इसके रेंज है 300 किलोमीटर। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आया होगा इसी महीने की स्टार्टिंग में हमने पहला रात्रि परीक्षण भी किया था, किसका, अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, और अग्नि 2 की रेंज थी 2000 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो इस तरह से एक ही महीने में हमने 2 मिसाइलों का रात्रि सफल परीक्षण किया है, एक तो अग्नि 2 का और अब पृथ्वी 2 का। अब उड़ीसा से किया है तो येरा मैप में उड़ीसा, कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा ने अपने राज्य में गरीबी कम करने के लिए अभिजीत बनर्जी की लतीफ जमील गरीबी एक्शन लैब के साथ समझौता किया था। अभिजीत बनर्जी कौन है, अभिजीत बनर्जी वही है जिन्हें 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, और इनके साथ इनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी मिलेगा। और अभी उड़ीसा का पहला रोबोट शेफ रेस्टोरेंट भुवनेश्वर में खुला है, मतलब उसमें रोबोट सर्व करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, उड़ीसा के सचिवालय का नाम बदल गया है, और बदल करके क्या रख दिया, लोक सेवा भवन। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे युवा जज कौन बन गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मयंक प्रताप सिंह। तो मयंक प्रताप सिंह ये राजस्थान से हैं और मात्र 21 साल की उम्र में जज बनने वाले देश के सबसे युवा जज बन गए हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम आयु 23 साल से घटा करके 21 साल कर दिया है। तो मयंक ने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पास कर लिया, और वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि डेली 12 से 13 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करते थे वो, और अगर आप भी अपने लक्ष्यों को लेकर के फोकस दो, ईमानदार हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने लक्ष्य के लिए जो वास्तव में करना चाहिए ईमानदारी से वो करते हो, या आज या कल पे टाल देते हो कि कल कर लेंगे यार। देखो भाई,
पढ़ाई को कभी भी कल पे मत टालना। अगर आप पढ़ाई को टालोगे ना तो आपकी सक्सेस भी साथ के साथ टलती जाएगी। तो बी फोकस्ड, बी सिंसियर, एक धुन चाहिए आपको। अगर आपको सफलता चाहिए तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। प्रांजल पाटिल, ये भी एक काफी अच्छा मोटिवेशन है प्रांजल पाटिल का। पहली नेत्र इन महिला IAS अधिकारी बनी हुई है। ऑप्शन बी है विदिशा बालियान, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं और मिस डेफ चैंपियनशिप अभी 2019 का खिताब जीता था और ये खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला बनी हुई है। ऑप्शन डी क्या है, नीलम साहिनी, आंध्र प्रदेश की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी ये। बढ़ते आगे, फिर है अभी नवंबर 2019 में किसे प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना अकादमी को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने केरल के एझीमाला में भारतीय नौसेना अकादमी को प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ये एझीमाला कहाँ पर है, केरल के कन्नूर में है। और प्रेसिडेंट्स कलर ये किसी भी सैन्य टुकड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और अभी किसको मिला है, भारतीय नौसेना अकादमी को। अच्छा बताओ मुझे, अभी नए हमारे नेवल चीफ बने हैं, कौन बने हैं, करमबीर सिंह, याद रखना है ये अभी 2019 में ही बने हैं। और नौसेना दिवस कब होता है, 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। बढ़ते हैं आगे, फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो अभी हमारे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं कौन, डीवी सदानंद गौड़ा, और उन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट डे पर, ये वर्ल्ड टॉयलेट डे हमने कब बनाया, अभी 19 नवंबर को, तो इस वर्ल्ड टॉयलेट डे पर अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 रैंकिंग जारी की है और उसमें टॉप स्टेट कौन सा रहा है, तो तमिलनाडु रहा है। वहीं आपको याद रखना है, देखो टॉप स्टेट में तो तमिलनाडु आंसर होगा, टॉप जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो तेलंगाना का पेड्डापल्ली, क्या तेलंगाना का है ये पेड्डापल्ली, और वहीं अधिकतम भागीदारी वाला राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा आंसर। मैंने आपको बताया हमारे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न है, अभी नवंबर 2019 में किसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किरण मजूमदार शो को। तो किरण मजूमदार शो ये भारतीय उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर हैं और बायोकॉन कंपनी की अध्यक्ष हैं ये, और अभी ने स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट उपलब्धि और समाज में योगदान के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और ये पुरस्कार उन्हें बिल गेट्स ने दिया है जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। अच्छा ऑप्शन ए क्या है, सुदर्शन पटनायक, 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। इससे पहले इन्हें US ने पीपल चॉइस अवार्ड भी दिया था। ऑप्शन सी है के उल्लास करंता, जॉर्ज स्कॉलर अवार्ड जीता इन्होंने। ऑप्शन डी है गुलाब कोठारी, ये राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष हैं और राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार से अभी इन्हें सम्मानित किया गया था। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में विशाखापत्तनम पुलिस ने किस नाम से भारत का पहला रोबोट लॉन्च किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, CYBIR। तो अभी आम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए विशाखापत्तनम पुलिस ने देश का पहला साइबर स्पेस इनिशिएटिव रोबोट लॉन्च किया है और जो क्या करेगा, शिकायतें दर्ज करने का काम करेगा। नाम है उसका CYBIR, मतलब साइबर स्पेस इनिशिएटिव रोबोटिक। और इसी तरह से आपको याद होगा केरल पुलिस में भी एक रोबोट को शामिल किया गया था जिसे SI का पद दिया गया था। अच्छा उस रोबोट का नाम क्या था, KP Boot, और इसका क्या है, CYBIR। और आज ही हमने शायद पहले या दूसरे प्रश्न में ही पढ़ा था कि रायबरेली के आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्री में Sona 1.5 नाम से एक रोबोट का इस्तेमाल होगा। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला है, मतलब वहाँ पे रोबोट खाने को सर्व करेंगे, और उन रोबोट का नाम था, दो रोबोट थे वो, चंपा और चमेली। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा का उद्घाटन किसने किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी।
तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन किया है हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ये 20 नवंबर को शुरू हुआ और 28 नवंबर तक चलेगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसमें फोकस कंट्री कौन सा रहा है? रशिया रहा है। और कुछ और भी पॉइंट याद रखो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें फोकस कंट्री था ईरान, और जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें फोकस कंट्री था जर्मनी। तो ये भी आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में ही इला वेलिन और दिव्यांश पवार ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, आपको याद होगा, मैंने कल भी आपको बताया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता था, और अब इला वेनिल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल और दिव्यांश पवार पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी तक भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है? तो ये चाइना में चल रहा है, और मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, जैसे कि ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर ल्यूसिन है। कौन है? व्लादिमीर ल्यूसिन। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने 30 साल बाद नई भूमि नीति 2019 जारी की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम सरकार ने। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि नीति 2019 को जारी किया है। अब बात असम की है, तो कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कल भी मैंने आपको बताया था कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे? तो गुवाहाटी में होंगे। अच्छा, अरुंधति योजना आप याद रखना कहाँ की है? असम की है। अपनौर अपन घर योजना, ये भी असम सरकार की है, घर बनाने के लिए सब्सिडी देगी। और अरुंधति योजना क्या है? इसमें जो बच्चियों की शादी होगी उसमें 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना उपहार में देगी सरकार। और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? आपके असम में है, जो कि एक सिंह वाले गेंडों के लिए फेमस है। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, ये भी सब यहीं पर हैं। बिहू फेस्टिवल भी काफ़ी फेमस है आपके असम का, तो ये आप चीज़ें याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 में कहाँ डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। तो अभी हमारे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री हैं, यानी कि डोनर मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये ही 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, और सभी 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये 23 से 26 नवंबर तक होगा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की है, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान रहा 59th, और इसमें टॉप पे रहा था स्विट्जरलैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, अब आज का करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ लिया है, अब इन क्वेश्चन का आप टेस्ट जरूर लगाएं। करंट अफेयर्स की क्विज आप डेली सॉल्व करा करें। आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और क्विज लगाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को खासतौर पर ये प्रॉब्लम रहती है कि पीछे का करंट अफेयर्स वो भूलते जा रहे हैं, तो ये क्विज आप डेली बेसिस पे लगाना शुरू करें, आपकी भूलने की समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये क्विज आपको क्रेक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, उस एप्लीकेशन में आपको क्विज के साथ साथ सभी PDF भी मिल जाएंगे और सभी वीडियोज भी एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप क्विज लगाना शुरू कीजिए और आप खुद अंतर देखिए कि आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो गाइज, ये था 23 नवंबर के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको कम से कम एक फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना बनता ही बनता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब आप लोग के करंट अफेयर्स का रिविजन कराने के लिए मैं इसका ऑडियो भी बना रहा हूँ, तो वो 5 से 6 मिनट का ऑडियो होगा, जिसमें इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। तो अगर वो 5 से 6 मिनट लगा करके आप उस ऑडियो को सुन लेते हो, कान में ईयरफोन लगाओ, आराम से जब भी आपके पास समय हो वो ऑडियो सुन लो, आपका रिवीजन हो जाएगा उस 5 से 6 मिनट के अंदर। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इनका रिवीजन मेरे को करने के लिए क्या करना है, कैसे टाइम निकालना है।
वो सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बस आप उसको फॉलो करते जाओ, एक टाइम टेबल बनाओ अपना। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, कल इवनिंग में भी मैंने करंट अफेयर्स का एक वीडियो डाला था, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं भाई, टॉप 12 के तो ये मॉर्निंग वाले में तो मैं डाल ही रहा हूं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच जाते हैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कवर करते हुए एक और वीडियो में बनाया। वैसे तो पहले भी इस तरह का वीडियो बनाया था लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन कल से कंटिन्यू करने का हमने स्टार्ट किया है। तो वो वन लाइनर वीडियो की तरह होगा, सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी देंगे और डायरेक्ट आंसर आपको देंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में वहां से बाय द वे क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे गलत ना हो, ये हमारा मेन मोटो है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर उसको ट्राई करना, और फिर पसंद आता है तो कंटिन्यू रखना, नहीं पसंद आता तो कंटिन्यू मत रखना, लेकिन एक बार आप ट्राई जरूर करना, ताकि आगे जाके ये ना हो फिर आपको लगे यार शुरू से देखना चाहिए था, बस मन में कभी भी रिग्रेट वाला भाव नहीं आना चाहिए। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में।